हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट हिंदी चैनल। दोस्तों सभी का हार्दिक अभिनंदन है वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट हिंदी चैनल पर। सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे मेरे परम मित्रों। और मेरी आवाज़ आप तक आ रही होगी, एक बार आवाज़ का बता दो, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। स्वागत आप सभी का पेपर फर्स्ट की इस क्लास में मेरे परम मित्रों। और यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर जो फर्स्ट है, इसके क्लास में अपन कुछ इम्पोर्टेंट्स जो की पॉइंट्स हैं उनकी भी अपन चर्चा करेंगे मेरे दोस्तों। और साथ में अपन प्रैक्टिस सेट के लिए एमसीक्यूज भी करेंगे इसके। तो आज टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो अभी लेटेस्ट के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो उनकी अपन चर्चा करने वाले हैं। और जैसा कि आपको विदित है मेरे दोस्तों, अनअकैडमी पे कंप्लीट वन और कंप्लीट पेपर टू दोनों सिंगल सब्सक्रिप्शन में आप पढ़ सकते हैं। इसके लिए रेफरल कोड आप राजेंद्र 10 यूज कर सकते हैं। मेरी प्रोफाइल राजेंद्र शर्मा के नाम से है, आप मुझे या फिर फॉलो कर लें। दोस्तों किसी भी कैटेगरी में कोई भी प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना हो तो आप रेफरल कोड राजेंद्र 10 लगा सकते हैं और सजेस्ट भी कर सकते हैं। ऑनलाइन पेड कोर्स में अनअकैडमी की ओर से सारे बेनिफिट्स आपको अवेलेबल होते हैं। सिंगल सब्सक्रिप्शन में दोनों पेपर आपको पढ़ने को मिलते हैं मेरे मित्रों। बेस्ट एजुकेटर मिल जाएंगे आपको, चॉइस मिल जाएगी यहाँ पे। ये टेलीग्राम की लिंक है राजेंद्र शर्मा अनअकैडमी यूजीसी नेट जेआरएफ के नाम से, तो मुझे यहाँ पे फॉलो कर लें। पेड कोर्स में यहाँ पे दो मॉडल हैं, आइकॉनिक और प्लस। आइकॉनिक में आपको पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट का एनालिसिस, एक्सपर्ट की गाइडलाइन, स्टडी प्लानर होता है, जबकि प्लस में लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, कोर्स शेड्यूल, अनलिमिटेड एसएस मिलता है। बेनिफिट सब ज़्यादा आइकॉनिक में मिलते हैं, लाइव क्लास है, टेस्ट सीरीज है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस है, कोर्स शेड्यूल है, पर्सनल कोच है, स्टडी प्लानर है, वीकली रिव्यू है, बूस्टर सेशन है। वहीं प्लस में आपको ये बेनिफिट्स मिलते हैं मेरे दोस्तों। कोर्स परचेज करने के लिए मैनेजर गोल में जाना है, दो ऑप्शन आपको दिखेंगे, आइकॉनिक और प्लस। यदि आपको आइकॉनिक लेना है तो आइकॉनिक पे क्लिक करना, मंथ आप सेलेक्ट कर लेना। फीस में 10% का आपको ऑफ मिलेगा मेरे दोस्तों, आपको रेफरल कोड राजेंद्र 10 यूज करना है। यदि आपको प्लस लेना है तो प्लस पे क्लिक कर लेना, मंथ आप सेलेक्ट कर लेना, फीस में आपको 10% का ऑफ मिलेगा। दोस्तों पेपर वन और पेपर टू दोनों की क्लास चल रही है, जिनका टारगेट दिसंबर 2022 है या जून 2023 है वो हमारे साथ में जुड़कर पढ़ सकते हैं। स्पेशल जिस प्रकार से अनअकैडमी पर प्लस क्लास होती है वैसे स्पेशल क्लासे भी होती हैं। ये लाइव क्लास होती है, पोल का सिस्टम आता है, राइज हैंड का ऑप्शन आता है, क्लास आपकी मिस नहीं होती है, कहीं भी बैठकर आप पढ़ सकते हैं। विजय लक्ष्मी जी गुड मॉर्निंग, मीनाक्षी जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सब कुछ बढ़िया है, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों तक? आवाज आ रही है ना? एक बार बता दो सब बच्चे, आवाज आवाज क्लियर आ रही है ना? कोई दिक्कत थोड़ी है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। आज हम पेपर फर्स्ट में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखने वाले हैं, और उन इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में अपन समझते हुए आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्तों। तो कुछ अपन टेस्ट भी रखा है, मैंने टेस्ट भी रखा है यहाँ पे, और टेस्ट के साथ साथ में मेरे परम मित्रों डिटेल भी अपन करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं यहां पर जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिवृत्ति की पॉइंट देखते हुए चलेंगे अपन। टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिवृत्ति नेट के एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इनकी अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए मेरे मित्रों, एक होता है पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम जिसको हम सिलेबस बोलते हैं, और एक होता है पाठ्यचर्या, पाठ्यचर्या जिसको हम करिकुलम या
फ्रेमवर्क बोलते हैं, करिकुलम या फ्रेमवर्क बोलते हैं। तो दोनों में सबसे पहले अंतर देखना है कि सिलेबस और पाठ्यक्रम में क्या अंतर है। अभी लेटेस्ट आपके एग्जाम में पूछा है ये मेरे मित्रों, आपको ध्यान रखना है सिलेबस और करिकुलम में अंतर क्या है। पाठ्यक्रम को हम सिलेबस बोलेंगे और जो आपका करिकुलम है करिकुलम, तो करिकुलम का मतलब होता है पाठ्यचर्या। दोनों में अंतर क्या है, अभी लेटेस्ट यहां से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको याद रखना है पाठ्यक्रम क्या है और करिकुलम क्या है। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग राधे कृष्णा। दोनों में अंतर समझना है, सेशन को आप लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर देना। तो सबसे पहले पाठ्यक्रम या सिलेबस की बात करें तो ये वर्णनात्मक होता है। पाठ्यक्रम याद रखना ये वर्णनात्मक होता है। इसके बाद में मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन बने हुए हैं, ये वर्णनात्मक होता है। और करिकुलम निर्देशात्मक होता है, याद रखना निर्देशात्मक होता है। तो पहला अंतर तो याद रखना, जो पाठ्यक्रम सिलेबस है ये वर्णनात्मक होता है और पाठ्यचर्या निर्देशात्मक होता है, ये आपको याद रखना है। दूसरा, सिलेबस विषय के लिए होता है, जो सिलेबस होता है वो विषय के लिए होता है, विषय के लिए होता है। और जो पाठ्यचर्या है ये कोर्स के लिए होती है, कोर्स के लिए, याद रखना है ये किसके लिए होती है, कोर्स के लिए होती है। मेरे मित्रों आपको ध्यान रखना है, जो सिलेबस होता है ये संकुचित होता है, सिलेबस जो होता है ये संकुचित होता है और करिकुलम विस्तृत होता है, ये विस्तृत होता है। तो ये संकुचित होता है, ये विस्तृत होता है, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। आप देखो सिलेबस के अनुसार परीक्षा बोर्ड कराता है, परीक्षा कौन कराता है, बोर्ड करवाता है। पाठ्यक्रम के अनुसार जो परीक्षाओं का आयोजन है वो बोर्ड करवाती है और इसमें सरकार या उच्च संस्थान कराती है, सरकार या उच्च संस्थान कराती है, उच्च संस्थान कराती है, सरकार या उच्च संस्थान कराती है, आपको ध्यान रखना है मेरे मित्रों। और इसमें क्या होता है, इसकी जो अवधि है निश्चित अवधि होती है, निश्चित अवधि, इसकी निश्चित अवधि होती है और इसकी अवधि कोर्स समाप्ति तक होती है, अवधि कोर्स समाप्ति तक, कोर्स समाप्ति तक अवधि होती है, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है क्या राधे राधे। तो इसमें से अभी लेटेस्ट तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं बताऊंगा क्या क्वेश्चन पूछा है, पहले इसको समझने का प्रयास करना। दूसरी, अगर मैं पाठ्यक्रम की बात करूं तो ये अध्यापकों के लिए अलग अलग होता है, अध्यापकों के लिए अलग अलग, अलग अलग। और ये क्या है, सभी के लिए समान होता है, करिकुलम सभी के लिए समान, सभी के लिए समान, सभी के लिए क्या होता है, समान होता है। अब देखो ये अंतर देखो, यहां से क्वेश्चन पूछा है, क्या क्वेश्चन आया है? मैं बताऊंगा, अभी लेटेस्ट ये दो तीन दिन चार दिन पहले एग्जाम हुआ उसमें क्वेश्चन था पाठ्यक्रम और सिलेबस को, इसको पाठ्यचर्या को लेकर। सिलेबस जो होता है ये वर्णनात्मक होता है मेरे परम मित्रों, जबकि ये निर्देशात्मक होता है, ये विषय के लिए होता है, ये कोर्स के लिए होता है, ये संकुचित अर्थ में होता है, ये विस्तृत अर्थ में होता है, इसकी परीक्षा बोर्ड करवाता है, इसकी सरकार या उच्च संस्थान कराती है, इसकी अवधि निश्चित होती है, इसकी अवधि कोर्स समाप्ति तक होती है, ध्यान रखना है। अगली बात करूं तो ये अलग अलग अध्यापकों के लिए अलग अलग होता है और ये सभी अध्यापकों के लिए एक समान होता है, क्लियर है ये चीज। अब यहां से क्वेश्चन पूछा है, अभी तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से, क्वेश्चन क्या था देखो, निम्न में से
कौन सा कथन सही नहीं है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ध्यान रखना है, अब समझने का प्रयास करना। एक ऑप्शन अब क्या क्या था आपको याद रखना है, जो पाठ्यचर्या का अर्थ पाठ्यक्रम के अर्थ से संकुचित होता है। पहला, पाठ्यचर्या का अर्थ पाठ्यक्रम के अर्थ से संकुचित होता है, ध्यान रखना है पहला, यानी कि पाठ्यचर्या का अर्थ पाठ्यक्रम के अर्थ से संकुचित होता है, यानी कि कौन सा संकुचित है और कौन सा विस्तृतात्मक है। क्लियर, पहला बिंदु। दूसरा कह रहा है कि पाठ्यक्रम विषय के लिए होता है, विषय के लिए होता है, विषय के लिए होता है। दूसरा कह रहा है पाठ्यक्रम विषय के लिए होता है, ये पूछ रहा है कौन सा सही है, सही आपको चुनना है, पाठ्यक्रम विषय के लिए होता है, ध्यान रखना है। अगला कह रहा है कि पाठ्यक्रम कोर्स समाप्ति तक होता है, समाप्ति तक होता है, पाठ्यक्रम कोर्स समाप्ति तक होता है। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम सभी अध्यापकों के लिए, अध्यापकों के लिए एक समान नहीं होता है। अब आपको इसमें से सही छांटना है, सही छांटना है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, सही देखना है। पाठ्यचर्या का अर्थ पाठ्यक्रम के अर्थ से संकुचित होता है, पाठ्यक्रम विषय के लिए होता है, पाठ्यक्रम कोर्स समाप्ति तक होता है, पाठ्यक्रम सभी अध्यापकों के लिए समान नहीं होता है। क्या आंसर होगा, सबको राधे राधे, बताइए आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन अभी तुम्हारे नेट के एग्जाम में पूछा हुआ है। क्या आंसर होगा, मैंने पीछे बता दिया है आपको, इधर बता रखा है, देखो ये वर्णनात्मक होता है, ये निर्देशात्मक होता है, ये विषय के लिए होता है, ये कोर्स के लिए होता है, ये संकुचित है, ये विस्तृत है, यानी कि पाठ्यचर्या विस्तृत है, पाठ्यक्रम संकुचित है, इसकी परीक्षा बोर्ड कराती है, इसकी परीक्षा सरकार या उच्च संस्थान कराती है, ये निश्चित अवधि के लिए होता है, ये कोर्स समाप्ति तक होता है, ये अध्यापकों के लिए अलग अलग होता है, वो सभी के लिए समान होता है। पाठ्यचर्या का अर्थ पाठ्यक्रम के अर्थ से संकुचित होता है, तो बताइए। आप देखो यहाँ पे पाठ्यक्रम के अर्थ से संकुचित होता है, तो ये तो व्यापक होता है, पहला गलत। पाठ्यक्रम विषय के लिए होता है, दूसरा सही। पाठ्यक्रम कोर्स समाप्ति तक होता है, पाठ्यक्रम जो होता है कोर्स समाप्ति तक होता है, गलत, निश्चित अवधि के लिए होता है। पाठ्यक्रम सभी अध्यापकों के लिए एक समान नहीं होता है, बिल्कुल सही है, पाठ्यक्रम सभी अध्यापकों के लिए एक समान नहीं होता है, आंसर बी और डी था। आंसर क्या आएगा, बी और डी दोनों सही है, आंसर आएगा बी और डी दोनों सही है, आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, मैंने पहले बता दिया है आपको। अब अगला, इसी में से अगला सवाल पूछा हुआ है आपके, इसी में से अगला सवाल पूछा है मेरे मित्रों, आपको ध्यान रखना है। और क्या क्वेश्चन पूछा है, सबसे पहले अपन बात करेंगे शिक्षण क्या होता है,
एक शिक्षण क्या होता है, दूसरा आपका अनुदेशन क्या होता है, एक सवाल यहां से था अनुदेशन क्या होता है, और एक है आपके अधिगम क्या होता है। एक सवाल यहां से पूछा है शिक्षण क्या है, अनुदेशन क्या है, अधिगम क्या है, एक सवाल सिंपल यहां से पूछा हुआ है और आपको सही करना है। तो सबसे पहले शिक्षण क्या है, तो शिक्षण सिंपल है छात्र व शिक्षक के द्वारा सक्रिय रूप से ज्ञान का संवाद मूलक हस्तांतरण। याद रखना है ज्ञान का हस्तांतरण, याद रखना है हस्तांतरण या स्थानांतरण। तो छात्र व शिक्षक के द्वारा सक्रिय रूप से ज्ञान का संवाद मूलक स्थानांतरण क्या कहलाएगा आपके मेरे मित्रों, शिक्षण कहलाएगा। क्लियर है क्या? दूसरा, शिक्षण अनुदेशन में निहित होता है, शिक्षण कार्य अनुदेशन में निहित होता है। अब मैं बताऊंगा यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है, निहित होता है शिक्षण कार्य जो है ये अनुदेशन में निहित होता है, आपको याद रखना है। क्लियर? अगला, शिक्षण जो है शिक्षण से ज्ञानात्मक और क्रियात्मक पहलुओं का विकास होता है, ज्ञानात्मक कोमा क्रियात्मक पहलू का विकास ज्ञानात्मक व क्रियात्मक पहलू का विकास। आपको ये बिंदु याद रखना है शिक्षण के मेरे मित्रों। अब बात करेंगे अनुदेशन क्या होता है। तो देखो इसमें क्या होता है, छात्र व शिक्षक के द्वारा सक्रिय रूप से ज्ञान का संवाद मूलक स्थानांतरण होता है, अर्थात दोनों इसमें अंतःक्रिया कर रहे हैं, सक्रिय रहते हुए क्या कर रहे हैं, अंतःक्रिया। अनुदेशन में क्या होता है, छात्र व शिक्षक के मध्य सक्रिय रूप से संवाद मूलक अंतःक्रिया नहीं होती है। याद रखना है अनुदेशन में छात्र और शिक्षक के बीच में सक्रिय रहते हुए मेरे मित्रों किसी प्रकार की कोई संवाद मूलक अंतःक्रिया नहीं रहती है। क्लियर है क्या? क्लियर? दूसरा, शिक्षण कार्य अनुदेशन में निहित होता है, समझ में है ना। अगला कह रहा है ज्ञानात्मक क्रियात्मक पहलू का विकास होता है, तो अनुदेशन में क्या होता है, अनुदेशन में केवल ज्ञानात्मक पहलू का विकास होता है, ज्ञानात्मक पहलू का विकास होता है। अनुदेशन में केवल किसका विकास होता है, ज्ञानात्मक पहलू का विकास होता है, आपको ध्यान रखना है। तो अनुदेशन में छात्र और शिक्षक के बीच में किसी प्रकार की कोई अंतःक्रिया नहीं होती है, ठीक है, और अनुदेशन केवल ज्ञानात्मक पहलू का विकास करता है, आपको याद रखना है। क्लियर है क्या? अधिगम की बात करें तो यह है
शिक्षण व अनुदेशन दोनों के माध्यम से संपन्न होता है। शिक्षण व अनुदेशन के माध्यम से संपन्न होता है, यानी कि अधिगम के लिए अनुदेशन और शिक्षण दोनों आवश्यक हैं। जो अधिगम है ये अनुदेशन और शिक्षण दोनों माध्यम से प्रदान किया जाता है, आपको याद रखना है। क्लियर? तो यह शिक्षण व अनुदेशन के माध्यम से संपन्न होता है। अब इसमें से क्वेश्चन पूछा है, पहली चीज याद रखना, अनुदेशन जो होता है मेरे परम मित्रों, अनुदेशन में छात्र स्वयं करके सीखता है, स्वयं करके सीखता है, स्वयं करके सीखता है। अब ये तीन चार बिंदु, अब इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा हुआ है, छात्र और शिक्षक के द्वारा सक्रिय रूप से ज्ञान का संवाद मूलक स्थानांतरण शिक्षण कहलाता है। शिक्षण कार्य अनुदेशन में निहित होता है। शिक्षण कार्य में ज्ञानात्मक क्रियात्मक पहलू का विकास होता है, जबकि अनुदेशन में छात्र व शिक्षक के मध्य सक्रिय रूप से संवाद मूलक अंतःक्रिया नहीं होती है। अनुदेशन में केवल ज्ञानात्मक पहलू का विकास होता है। अधिगम यह शिक्षण व अनुदेशन के माध्यम से संपन्न होता है, ध्यान रखना है। क्लियर? और अनुदेशन में छात्र स्वयं करके सीखता है। अब आपके क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा कथन सही है। अब प्रॉपर देखो, प्रॉपर लैंग्वेज मेरे भी नहीं ध्यान है, लेकिन मैं पूरा आपको क्वेश्चन और आंसर बता रहा हूं। क्वेश्चन था कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। अनुदेशन में ज्ञानात्मक पहलू वह क्रियात्मक पहलू अंतः स्थापित होते हैं, दूसरा शिक्षण कार्य की तुलना में अनुदेशन में छात्र व शिक्षक सक्रिय अंतःक्रिया की भूमिका में होते हैं, ध्यान रखना है। तीसरा आराम से पढ़ लो, शिक्षण कार्य की तुलना में अनुदेशन में छात्र व शिक्षक सक्रिय क्रिया की भूमिका में होते हैं, आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है, याद रखना है। क्लियर है? अगला है, अनुदेशन शिक्षण व अधिगम का सार्थक प्रतिफल है। अनुदेशन शिक्षण व अधिगम का सार्थक प्रतिफल है, ध्यान रखना है। अगला है, शिक्षण में
क्रियात्मक पक्ष, ज्ञानात्मक पक्ष से मजबूत होता है। बताओ क्या सही होगा, क्या सही है? बताइए क्या सही होगा। गुड मॉर्निंग सबको, क्या सही है? अनुदेशन में ज्ञानात्मक पहलू व क्रियात्मक पहलू अंत स्थापित होते हैं। शिक्षण कार्य की तुलना में अनुदेशन में छात्र व शिक्षक सक्रिय अंतःक्रिया की भूमिका में होते हैं। अनुदेशन शिक्षण व अधिगम का सार्थक प्रतिफल है। शिक्षण में क्रियात्मक पक्ष ज्ञानात्मक पक्ष से मजबूत होता है। अब आपको सही बताना है। बीओडी, बीओडी देखो, पहला गलत है। अनुदेशन में ज्ञानात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष अंतः स्थापित होते हैं, केवल ज्ञानात्मक होता है। शिक्षण कार्य की तुलना में अनुदेशन में छात्र व शिक्षक अंतःक्रिया की भूमिका में होते हैं, नहीं होते हैं। दूसरा गलत, अनुदेशन शिक्षण व अधिगम का सार्थक प्रतिफल है। बिल्कुल सही, शिक्षण में क्रियात्मक पक्ष ज्ञानात्मक पक्ष से मजबूत होता है। बिल्कुल गलत, दोनों बराबर होते हैं। इसका सही आंसर है सी। अब देखो ये नेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसका करेक्ट आंसर है सी, ध्यान रखना है। इसका सही आंसर है मेरे मित्रों सी, जो शायद किसी भी बच्चे ने आंसर सही नहीं किया है, किसी भी बच्चे ने आंसर सही नहीं किया है। नमो नमः, सबको नमो नमः। किसी भी बच्चे का आंसर सही नहीं है। अब देख लो आप, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है मेरे मित्रों, यहां से एक पूछा हुआ है, नव विद्यार्थियों के प्रकार और यहां पूछा है प्रभावी शिक्षण विधि, प्रभावी शिक्षण विधि, एक क्वेश्चन यहां से पूछा है, याद रखना है। नव विद्यार्थियों के प्रकार और प्रभावी शिक्षण विधि, एक क्वेश्चन यहां से पूछा हुआ है, यानी कि कौन सी प्रभावी शिक्षण विधि है या अधिगम शैली है। इसको मैं अधिगम शैली भी लिख सकता हूं, अधिगम शैली, इसको मैं अधिगम शैली भी लिख सकता हूं, ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो जैसे दृश्य संबंधी, ध्यान रखना, दृश्य संबंधी, पहली है दृश्य संबंधी। तो दृश्य संबंधी के लिए जो अधिगम शैली है वो कौन सी होगी? चित्र और प्रदर्शन शैली होगी, चित्र व प्रदर्शन शैली। सुमेरित में क्वेश्चन पूछा है भाई, अभी लेटेस्ट 2022 में जो एग्जाम चल रहे हैं उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला है स्वर्ण संबंधी शैली। तो स्वर्ण संबंधी जो शैली है इसके लिए कौन सी अधिगम शैली शब्द होगी? शब्द व ध्वनि शैली, याद रखना है। सहज ज्ञान संबंधी शैली। अंतर्दृष्टि अधिगम शैली, आपको ध्यान रखना है। आगमनात्मक संबंधी के लिए कौन सी अधिगम शैली सबसे अच्छी होगी? तथ्यों से अवधारणा
तथ्यों से अवधारणा अवधारणा विकसित करने की अधिगम शैली विकसित करने की अधिगम शैली याद रखना है। नेक्स्ट निगमनात्मक संबंधी निगमनात्मक की बात करूं तो यहां पे उल्टा कर दो अवधारणा से तथ्यों के विकसित करने की अधिगम शैली अवधारणा से तथ्यों को विकसित करने की अधिगम शैली। अगला है मेरे मित्रों सक्रिय संबंधी तो भौतिक गतिविधि अधिगम शैली ध्यान रखना है सक्रिय में, ठीक है। और चिंतनशील संबंधी पूछा जा सकता है चिंतनशील संबंधी तो विचार विमर्श अधिगम शैली ये आपको याद रखना है। क्रमिक संबंधी के लिए कौन सी अधिगम शैली श्रेष्ठ होती है? चरणों की श्रृंखला अधिगम शैली ध्यान रखना है। अब आपके यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है, इनमें से अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है उसमें क्या क्वेश्चन दिया था? नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, नंबर 4 ये सुमेलित में क्वेश्चन आया है भाई कि सुमेलित करो। दृश्य संबंधी चित्र व प्रदर्शन अधिगम शैली होती है। स्वर्ण संबंधी शब्द व ध्वनि संबंधित अधिगम शैली होती है। सहज ज्ञान संबंधी अंतर्दृष्टि अधिगम शैली होती है। आगमनात्मक संबंधी तथ्यों से अवधारणा विकसित करने की अधिगम शैली है। निगमनात्मक संबंधी अवधारणा से तथ्यों के विकसित करने की अधिगम शैली है। सक्रिय संबंधी भौतिक गतिविधि अधिगम शैली है। चिंतनशील संबंधी विचार विमर्श अधिगम शैली है। क्रमिक संबंधी चरणों की श्रृंखला अधिगम शैली है। याद रखना है, क्लियर? यस या नो बोलो तो सही, हाँ ना तो बोल दो। ये अभी 3 क्वेश्चन अभी आपके एग्जाम में आए हैं, उनसे इर्द गिर्द सारी चीजें बता दी है मैंने। जैसे अब ये पूछ लिया तो हो सकता है ये पूछ ले आपसे, तो ये भी पूछा जा सकता है। अब अपन क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। अब अपन आते हैं क्वेश्चन आंसर के ऊपर आते हैं। अब और जो प्रश्न पत्र होंगे उनमें से जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है उनको मैं अभी आपके सामने डिस्कस करने का प्रयास करूंगा मेरे मित्रों, जिससे कि आपको ये एहसास होता रहे कि क्या सही चल रहा है क्या सही नहीं चल रहा है। क्लियर है? अब आ जाओ, पहला क्वेश्चन पे आ जाओ।
पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। केंद्रीय प्रेरक उद्देश्य से अनुप्रमाणित कौन सी बुनियादी मूल्य आत्म प्राप्तता या आत्म प्राप्त तत्परता से संबंधित है? क्या आंसर होगा? बताइए क्या आंसर होगा। प्रश्न दिख तो रहा है ना आपको? दिख रहा है ना क्वेश्चन? केंद्रीय प्रेरक उद्देश्य से अनुप्रमाणित कौन से बुनियादी मूल्य आत्म प्रातत्परता से संबंधित हैं? बताइए क्या आंसर होने वाला है। देखो सादृश्यता है और मेरे मित्रों सार्वभौमिकता है, ध्यान रखना है। इसका सही आंसर है सादृश्यता और सार्वभौमिकता, सी और डी। इसका सही आंसर है सी और डी। सादृश्यता और सार्वभौमिकता आत्म प्रातत्परता या स्व प्रागमन से संबंधित है, जो केंद्रीय प्रेरक उद्देश्य से अनुप्रमाणित बुनियादी मूल्य है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में सकल्याणवादी शिक्षा का उद्देश्य इस संसार में जीवन अथवा विद्यालय शिक्षा के बाद के जीवन की तैयारी करने हेतु ज्ञान अर्जन करना ही नहीं था, बल्कि पूर्ण आत्म अनुभूति व मुक्ति हासिल करना था। प्राचीन शिक्षा के दौरान बहुलवाद, आपसी समझ और शांति सकल्याणवादी शिक्षा की नींव तैयार करते थे। अब आपको इसमें से सही देखना है क्या सही हो सकता है, क्या सही होगा। बताइए क्या आंसर होगा। ए बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। पहला बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों सही है। प्राचीन भारत में सकल्याणवादी शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान अर्जन के अतिरिक्त पूर्ण आत्मानुभूति और मुक्ति प्राप्त करना था। यह बहुलवाद, परस्पर समझ और शांति के मूल्यों पर आधारित थी। शिक्षण का कौन स्तर ब्लूम के वर्गीकरण विज्ञान में यथा निर्दिष्ट संज्ञानात्मक योग्यता का प्रयोग करता है? स्मृति, अवबोध, विमर्शी, स्वायत्त विकास स्तर। बताइए, ब्लूम का पूछ रहा है। क्या आंसर होगा? ब्लूम का बताना है। सी, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर दिया है, विमर्शी स्तर। ब्लूम के वर्गीकरण विज्ञान तीन मॉडलों का एक समूह है, जिसका उपयोग सीखने के उद्देश्य को तीन अलग अलग डोमेन संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोज्ञात्मक में स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। शिक्षण का विमर्श स्तर ब्लूम के वर्गीकरण विज्ञान में यथा निर्दिष्ट संज्ञानात्मक योग्यता का प्रयोग करता है। जो व्याख्या है इसको भी पढ़ने का प्रयास करें। निष्पादन तत्परता स्तर के रूप में जो विद्यार्थी सक्षम परंतु अनिच्छुक वर्ग में है, उनके लिए सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षण रणनीति कौन सी होगी?
क्या आंसर होगा? बी बिल्कुल सही है, कार्यों में लगाना तथा सामाजिक संवेगात्मक समर्थन जिसमें पहचान किए जाने की गुंजाइश हो प्रदान करना। छात्रों को सीखने के लिए शिक्षक द्वारा विभिन्न रणनीति का प्रयोग किया जाता है, जैसे निष्पादन तत्परता के रूप में जो विद्यार्थी सक्षम परंतु अनुच्छिक वर्ग में है उनके लिए उसे कार्यों में लगना तथा सामाजिक संवेगात्मक समर्थन जिसमें पहचान दिए जाने की गुंजाइश हो प्रदान करना सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षण रणनीति होगी। क्लियर है? प्रभावी शिक्षण व्यवहार के सहपटल में निम्नलिखित में से किन्हें व्यवहारिक समर्थता कहा जाएगा? आत्म सामर्थ्य के नियंत्रण की स्थिति, योजना शिक्षण, प्रबंधन परीक्षण, मूल्यांकन प्रतिपुष्टि, तार्किक स्पष्ट और आश्वस्त। क्या आंसर हो सकता है? आराम से पढ़ के आंसर करो। गुड मॉर्निंग सबको। केवल एक ही बच्चा आंसर दे रहा है, याद रखना ए बी और डी तीनों सही है। ए बी और डी तीनों सही है। आत्म सामर्थ्य के नियंत्रण की स्थिति, योजना एवं शिक्षण, मूल्यांकन एवं प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराना, तो आंसर सही है ए। प्रभावी शिक्षण व्यवहार के सहपटल में व्यवहारिक समर्थ्य वे योग्यताएं हैं जो किसी कार्य को सही करने सहायक होते हैं, योजना और शिक्षण, प्रबंधन और परीक्षण, मूल्यांकन और प्रतिपुष्टि, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मेरे परम मित्रों। कक्षा मूल्यांकन में शिक्षक को ज्ञात होता है कि विद्यार्थियों के अंकों का वितरण सकारात्मक रूप से विषम है, अतः अंकों का माध्यम माध्यिका से अधिक होगा और माध्यिका का मान बहुलक से अधिक होगा। जब विद्यार्थियों के अंकों का वितरण सामान्य पाया जाता है तो केंद्रीय प्रवृत्ति के सभी तीनों का मान एक ही होता है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही हो सकता है? सबको राधे राधे और हैप्पी दशहरा। दशहरा की आपको अग्रिम शुभकामनाएं, एडवांस में दशहरा की शुभकामनाएं आप सभी को। बिल्कुल सही आंसर है ए, दोनों सही हैं, दोनों कथन सही हैं। कक्षा के मूल्यांकन में छात्रों के अंकों का वितरण सकारात्मक रूप से समान नहीं होता, जिसका अर्थ है सममित आवर्ती वृत्त नहीं बन सकता, अतः माध्य माध्यिका और बहुलक इस क्रम में होते हैं, माध्य माध्यिका और बहुलक। किंतु यदि आवर्ती विस्तार से सममित आवर्ती वृत्त बनता है तो माध्य माध्यिका और बहुलक समान होंगे। अगला है क्वेश्चन आपके सामने है, शिक्षण अधिगम प्रणाली को प्रभावी होने के लिए यह सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध पर्याप्त रूप से कार्यान्वित और समुचित रूप से मूल्यांकित होनी चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रणाली की प्रभाव उत्पादकता शिक्षा के सभी स्तरों के लिए पूर्व अपेक्षित है। क्या आंसर होगा बताइए, कौन सा सही है?
ए, बिल्कुल सही आंसर है ए, दोनों सही हैं, कथन और कारण दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान किसी दिए गए क्षेत्र में ज्ञान के कोष में वृद्धि करता है? क्रियात्मक, व्यवगत, मूल्यांकनात्मक और मौलिक। ज्ञान के कोष में वृद्धि करने वाला, बताइए क्या आंसर होगा? ज्ञान के कोष में वृद्धि करने वाला, मौलिक अनुसंधान होगा। मौलिक अनुसंधान ध्यान रखना है, तो मौलिक अनुसंधान होता है, ध्यान रखना है। साक्ष्य एवं आंकड़ों के विश्लेषण हेतु निम्नलिखित में से कौन सी अनुसंधान विधि का आंतरिक और बाहरी आलोचना का प्रयोग किया जाता है? साक्ष्य एवं आंकड़ों के विश्लेषण हेतु निम्नलिखित में से कौन सी अनुसंधान विधि में आंतरिक और बाहरी आलोचना का प्रयोग किया जाता है? कार्योत्तर, प्रयोगात्मक, ऐतिहासिक, विवरणात्मक। क्या आंसर होगा? बिल्कुल सही आंसर है सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है सी, ऐतिहासिक। गुणात्मक अनुसंधान के प्रमुख लक्षणों की पहचान कीजिए, आंसर करना है क्या हो सकता है, गुणात्मक पूछ रहा है। गुणात्मक पूछ रहा है क्या आंसर हो सकता है? क्या आंसर होगा? चंचल गुणात्मक पूछ रहा है बेटा, गुणात्मक आंकड़ों के स्रोत के रूप में वास्तविक स्थिति, आंकड़े और शब्द और चित्रों के रूप को लेते हैं, परिकल्पना बनाना और परिकल्पना का परीक्षण करना। तो देखिए, वास्तविक परिस्थिति और आंकड़ों के स्रोत के रूप में आंकड़ों, शब्द और चित्रों के माध्यम से सहभागियों के परिप्रेक्ष्य के साथ सम्मक केंद्रित नहीं होते, समझ में है ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है। क्लास आपकी कल भी होगी और डेली क्लास अपनी करेंगे, कल भी आपको ऐसे जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उनको मैं करने का प्रयास करूंगा मेरे मित्रों, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन के साथ में मैंने आपको कुछ पार्ट्स बताए हैं जो पिछले अभी 2-3 दिन में एग्जाम हुआ है उसमें चल रहे हैं मेरे दोस्तों। तो बाकी की अपन कल की क्लास में और आगे विस्तृत चर्चा करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आभार। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्लास को लाइक शेयर भी कर दिया करो, क्लियर है ना मेरे दोस्तों।